बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज टू की परीक्षा कल से फिर से शुरू हो जाएगी। 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक यह परीक्षा जो है वो होनी है। जी हाँ, जिसमें 7 दिसंबर को परीक्षा बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की जाएगी, जबकि 8, 9 और 10 दिसंबर को ये परीक्षा बीपीएससी टीआरई 2.0 एग्जाम जिला मुख्यालय में लिया जाएगा। बीपीएससी शिक्षक फेज टू की परीक्षा को लेकर गोपालगंज में भी प्रशासनिक और शैक्षणिक तैयारी पूरी कर ली गई है। यहाँ पर करीब 17,000 परीक्षार्थी बीपीएससी शिक्षक एग्जाम में भाग लेंगे, जिसको लेकर जिले में 15 एग्जामिनेशन हॉल बनाए गए हैं। गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट ट्रेजेडी ऑफिसर शशिकांत आर्य ने बताया है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर और ओएमआर शीट पटना से लाया जाएगा, जबकि परीक्षा केंद्र पिछले बार की तरह ही सीसीटीवी से लैस होंगे। इस बार परीक्षा में ओएमआर शीट को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। जी हाँ, डीओ शशिकांत आर्य ने बताया है कि क्वेश्चन शीट के साथ ही ओएमआर शीट संलग्न होगा, जिसे सावधानी पूर्वक परीक्षार्थियों को भरना होगा। इंक से ओएमआर शीट पर उनको अपने रोल नंबर भरने होंगे। अगर ओएमआर शीट को भरने में थोड़ी भी लापरवाही हुई तो फिर उन्हें दोबारा ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि जिससे वह परीक्षार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ओएमआर शीट को कैसे भरना है उसको लेकर बीपीएससी की ओर से ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड उपलब्ध कराया गया है, जिसमें भी अभ्यर्थी देख सकते हैं। उसके साथ ही ओएमआर शीट का लिंक भी होगा, जिसे डाउनलोड कर परीक्षार्थी भरने की प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्रों का चयन कर लिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी के अलावे वीडियोग्राफी टीम लगाई जा रही है। जी हाँ, इसके अलावा परीक्षार्थियों को वहां बैठने और पहुंचने के समय को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि बीपीएससी फेज टू की परीक्षा कल से शुरू हो रहे हैं। ये परीक्षा 7 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक चलेगी, जिसका ओएमआर शीट को लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। अगर ओएमआर शीट पर कोई गलती होती है तो दोबारा ओएमआर शीट अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा और उन्हें परीक्षा देने का मौका भी नहीं मिलेगा। कल पटना में बीपीएससी की ओर से फेज टू की परीक्षा का सेंटर बनाया गया है। कल के बाद गोपालगंज में भी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सेंटर बनाए गए हैं, वहां से भी एग्जाम दिए जाएंगे और हर केंद्र की सीसीटीवी की जो मॉनिटरिंग है वो पटना से लगातार होती रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।